गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेल पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट क्लास पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पवन, तेरा फेस मालूम बड़ा आ रहा है। लूसेंट का भाग 21, ठीक है। इसमें हम लूसेंट पढ़ेंगे। अभी लूसेंट में कहाँ तक हो गया था? लूसेंट में हो गया था, लूसेंट में चला था मगध राज का उदय, ठीक है। मगध राज्य का उदय, मगध राज के उदय में क्या चल रहा था? मगध राज के उदय में हर्ष वंश हो गया था। अब इसके बाद पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शिशु वंश के नाग में क्या हुआ था? इसका लास्ट पॉइंट था हर्ष वंश। हर्षवर्धन वंश के, हर्ष वंश का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक, इसमें जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नाग दशक, ठीक है। नाग दशक जो शासक था उसकी हत्या, ठीक है। जो हर्ष वंश का अंतिम शासक था नाग वंश, नाग दशक, इसकी हत्या क्या हुआ था? जो इसके शासक थे नाग दशक, किसके? हर्ष वंश के जो अंतिम शासक थे नाग दशक, इसकी हत्या इनके अमात्य द्वारा, अमात्य द्वारा की कर दी गई, ठीक है। जिनके अमात्य का क्या नाम था? इनके अमात्य का नाम था शिशुनाग, शिशुनाग इनके अमात्य का नाम था, ठीक है। तो इनके ही नाम पर इन्होंने क्या कर दिया? एक वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। क्या वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इनके अमात्य जो थे उनके ही द्वारा इनके शासक की हत्या कर दी गई और इन्होंने पूरी सल्तनत को अपने रूप में क्या किया? इन्होंने अपना लिया, ठीक है। अपना क्या लिया? इसको छीन लिया। किनके द्वारा? नाग दशक के द्वारा इसको छीन लिया गया, नाग दशक के द्वारा छीन लिया गया। तो इसमें क्या आएगा? शिशुनाग वंश के फाउंडर कौन थे? तो शिशुनाग वंश के फाउंडर के में आएगा, इसके फाउंडर थे कौन थे? जो इन्होंने हत्या की होगी शिशुनाग, ठीक है, उनके ही द्वारा इनके क्या होगी? इस वंश की स्थापना होगी। शिशुनाग क्या थे? इसके फाउंडर थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 412 ईस्वी में, 412 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने क्या किया था? इनके कुछ काम थे, इन्होंने अवंती राज्य को, किसको? अवंती, इन्होंने क्या किया था? अवंती राज्य को, किसके? इनके द्वारा, शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य को इन्होंने अपने राज्य में, कौन से? मगध में मिलाया था, मगध में मिलाया, मतलब इन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने इसको जीतने के बाद इन्होंने अपने राज्य में मिलाया, किसको? मगध को, मगध में इसको मिलाया, ठीक है। इनके द्वारा, इनके टाइम में इनकी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया वैशाली नगर को, किसको? वैशाली को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी के रूप में बनाया, ठीक है। किसने बनाया? शिशुनाग ने राजधानी के रूप में वैशाली को बनाया, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? शिशुनाग इसके फाउंडर थे, जो कि हर्ष वंश के अंतिम शासक नाग दशक के की हत्या करने के पश्चात इन्होंने पूरे राज्य को हड़प लिया था और इन्होंने राजगद्दी पर 412 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और राजगद्दी पर बैठ गए। इसके बाद इन्होंने अवंती राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और राजधानी, ठीक है, और अपनी राजधानी किसको? वैशाली नगर को क्या कर दिया गया?
वैशाली को घोषित कर दिया गया। इसके शिशु शिशुनाग वंश का परावर्ती राजा मतलब इसमें जो शासक था उसमें मतलब एक तरीके से वीर शासक कौन था, वीर शासक के रूप को परावर्ती शासक के रूप में कहा जाता है। किसको? वीरवर्ती शासक को परावर्ती शासक के रूप में कहा जाता है। इसके परावर्ती शासक के रूप में किस कौन था? कालाशोक। कालाशोक कौन था? एक परावर्ती शासक के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है। और ये कब हुए थे? इनका जन्म हुआ था 394 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 384 पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 394 ईसा में इनका जन्म हुआ था। कौन से? ये परावर्ती राजा थे। कौन थे? परावर्ती शासक थे। इनका नाम था कालाशोक। कालाशोक इनका इनका नाम था। इन्होंने अपने टाइम में राजधानी किसने? कालाशोक। कालाशोक ने क्या अपने टाइम में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी किसको घोषित किया? इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को घोषित किया। किसको? पाटलिपुत्र को घोषित किया। घोषित किया किसको? पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है। इनके ही टाइम था, मतलब कालाशोक का ही टाइम था जब बौद्ध धर्म की क्या द्वितीय संगति हुई, ठीक है। किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की सेकंड संगति हुई। संगति हुई, ठीक है। अब इनके बाद क्या होता है? इनके बाद जो इनका वंश चला तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, ठीक है। इनके द्वारा इनका अंतिम शासक कौन था? इनका अंतिम शासक, इनका अंतिम शासक, इनका अंतिम शासक था राजा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनका क्या था? अंतिम राजा था, ठीक है। किसका था? शिशुनाग वंश के बारे में जो भी बताया गया, इनके संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर थे शिशुनाग, जिनके ही नाम पर इन्होंने अपना वंश स्टार्ट किया। इसके प्रतापी राजा थे कालाशोक, जिन्होंने अपने टाइम में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को, वैशाली से पाटलिपुत्र को बना दिए। इनके ही टाइम में बौद्ध धर्म की सेकंड संगीति हुई थी। और अंतिम शासक इनके कौन थे? राजा नंदवर्धन। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।